go. बाकी समझ में आ रहा है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड व्लॉग्स। तो आज हम छोटी सी राइड पे आए थे, तो फिलहाल तो मैं भी कोटा के बाहर हूँ। कोटा के अंदर एंटर नहीं, उससे पहले हमारी कुणाल भाई की गाड़ी पिंचर हो गई, वो कुणाल रहा। तो हम आए थे छोटी सी राइड पर। बताओ, पिक्चर बना दी ना बढ़िया। तो जो पूरा मामला इसका था, कील गई थी टायर के अंदर। भाई इतनी बड़ी टायर के अंदर कुणाल, किस्मत हो तो बस ये पैर में चल जाए खत्म। टायर कट जाता ना तो दिक्कत हो जाती थी अपने। तो वही इतना तो नहीं बोल सकता कि रोड पे संभल के चलो, फिर भी ध्यान रखना। ये तो ठीक होगा कि दिन में हो गया काम, नाइट में होता ना तो कुछ भी नहीं था उसके आस पास। होगी ठीक और निकलते अब सीधा कोटा। तो जो भी वीडियो में आया हो एंड तक बने रहना। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कोटा में, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नंबर माहौल जमने वाला है थोड़ी ही देर। तो ये रहा अपना सिस्टम। ड्रोन सब उड़ रहे हैं, गाड़ी ए टू जेड सारी खड़ी हुई है। तो अभी थोड़ी देर में स्टंट वगैरह स्टार्ट होने वाला है। और तो जो भी वीडियो में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। फर्स्ट टाइम आए हो इस काम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कम से कम 20 22। हां और बड़े एकदम। तो स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर में माहौल तो भाई अपने कुणाल की लग रही है आगे आगे, बाकी पब्लिक भी फुल है। स्टैंड पर होगा थोड़ी ही देर में, तो वहीं तक बने रहे और वॉच करना पूरे ब्लॉग को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत तो कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। यही तो चाहिए। तो वापस रिटर्न आएंगे, वो रिटर्न आके करेंगे तो भी दिखाऊंगा मैं आपको। एंड तक बने रहना ब्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा। ले जा दूर, ले जा दूर, ले जा, ले जा, ले जा।
अब कुछ अलग होगा तो बने रहे अपने व्लॉग में तक। मजा आ गया यार, थैंक यू। एक नंबर। भैया की बाइक ये थी और भैया बोल रहे 15 साल का एक्सपीरियंस है, जब तक ये चीज कर रहे अब इनके पास आ चुकी है यामा। अब इस पे करेंगे भाई तगड़ा वाला स्टंट, बाकी जमा दिया माहौल भाई ने, एक नंबर जमा रहा भाई। तो गाइस अब होने वाली स्टार्ट स्लो रेस। स्लो रेस का मतलब 5 बाइकर जो 30 स्लो चलाएंगे वही फर्स्ट मेरे बनेगा, तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, बाकी आगे मजा आ जाएगा। पता ये बंदा जीत सकता है, इसलिए इसके एंड तक देखो। टिंकू बाइकर है ना? हाँ, मेरे को भी लग रहा है। क्या नाम है इनका? टिंकू बाइकर। टिंकू बाइकर, अभी देखते हैं क्या सीन होता है। मैं था व्लॉग बनाने, लेकिन व्लॉग का अलग ही माहौल जमा दिया भाई। तो जो माहौल बनाया है ना, एक नंबर बना है। मेरा सब लोग था, लेकिन राइडिंग का ब्लॉग और स्टंट का ब्लॉग तो जो भी बना बाकी ठीक है, लेकिन अपने 5 बाइकर्स रेडी है, एंड लाइन ही है। तो कौन स्लो लेके आता है वो देखते हैं। तो रेडी है स्लो राइड, तो अब इनमें जो भी जीतेगा वो विनर रहेगा फर्स्ट। तो देखते हैं कौन निकलता है स्लो राइड को स्लो लेके। बाकी ब्लॉग में आपको मज़ा आ रहा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, कॉमेंट करना और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर देना फटाफट, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही प्यारा है, मुझे भी लग रहा है तो आप लोगों को लगाएगा सही यार। बाकी थोड़ी तबीयत खराब है, ये भैया निकल गए, इनकी स्लो लाइट है। बाकी पाजी जीत सकते हैं, पाजी बहुत ही स्लो है, पैर नहीं टिक रहा भाई, पैर नहीं टिक रहा बिल्कुल भी नीचे। स्लो राइड का मतलब बिल्कुल स्लो चलना है और पैर बिल्कुल नहीं टेकना। तो गाइस लास्ट राउंड चल रहा है, जो भी निकलेगा वही विनर बनेगा फर्स्ट। तो होने वाला है वो, तो तीनों में से कौन निकलता है वो इनका टैलेंट है, बाकी ये लास्ट राउंड है, उसके बाद में कुछ अलग हुआ। वो तो निकाल लो, निकाल लो भाई, निकाल लो। भाई 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 निकाल लो, निकाल लो। यामा 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 निकल जाएगी गाइस। तो देखते हैं गाइस विनर कौन बनता है। माहौल जमा गया बहुत ही तगड़ा वाला। बहुत ही तगड़ा मजा आएगा, आपने जो देखा एक नंबर लगा। और मैंने जो मेरी आंखों से स्टंट देखे, मैंने फर्स्ट टाइम देखे, मैं पहले गया नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और यहाँ से अब निकलते हैं। क्या जिसको भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। यहाँ से चाय स्टिक की तरफ था गुना ना, चाय स्टिक की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्या हम निकल चुके हैं कोटा के बाहर, तो हमारा चाय पीने का मूड था, लेकिन गुनाल ने ये सिस्टम जमा दिया स्टिंग का। तो भाई गुनाल आगे रेड रेड आ रही है भाई। जो भी हमने देखा और आपको दिखाया एक नंबर था। मैंने तो मेरी जिंदगी में फर्स्ट बार ये स्टंट वगैरह देखे हैं, बाकी इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखे, और ये स्टंट शायद मैंने दूसरी बार देखे। ये एक बार आए थे बूंदी में तब देखे थे मैंने, आज रियल लाइफ देखा है मैंने इनको। मेरे तो भाई फर्स्ट टाइम है और भी गुनाल के साथ। तो आज का माहौल बहुत तगड़ा था,
बाकी आज बिना लाइट के जाएंगे इसमें। निकलते हैं यहाँ से सीधा बूंदी और भाई चलते हैं फिर, तो मिलते हैं आपको सीधा बूंदी ना। ओके बाय। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बूंदी, और भाई कुणाल कैसे लेके आया वो मैं ही जानता हूँ, कुणाल ही जानता है। बिना लाइट के हम कोटा से बूंदी भाई 30 से 40 किलोमीटर यहाँ है। बाकी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्टंट करूँ और बाइक लेके आऊँ, अगर पब्लिक की डिमांड है उसके ऊपर ही लेके आऊँगा मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं भी करूँ तो मैं लेके आ जाऊँगा। बाकी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नए आए हो तो, और पुराने वो भी चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। लव यू, बाय बाय, टाटा। We got royalty.